The next topic is why do large scale industries choose different location? Different location के अंदर industries को कैसे choose करें, ये आप इस topic में देखेंगे. Industries maximum profit by reducing cost, therefore industry should be located at point where the production cost are minimum. Maximum profit in industry and production cost are minimum. ये हम ध्यान में रखें, industries को setup करते हैं किसी भी जगह पे किसी एरिया के अंदर. Access of market. Access to market. मार्केट का नजदीक होना भी इंपॉर्टेंट है. द एक्सिस्टेंस ऑफ ए मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरर्स गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. मार्केट मीन्स पीपल डिमांड फॉर देयर गुड्स. जहां मार्केट नजदीक होगी, गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, वहीं पर आपकी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सक्सेस हो पाए. द डेवलपमेंट रीजन ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट एज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल इज वेरी हाई. द डेंसिटी ऑफ लाइव रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज मार्केट. लार्ज मार्केट कहां पर है? एग्जाम्पल इसलिए दिया, ऑस्ट्रेलिया का, साथ में अमेरिका का, यूरोप का. यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां लार्ज मार्केट है, जो प्रोवाइड लाइफ लार्ज मार्केट रहेगी. सम इंडस्ट्री सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव ए ग्लोबल मार्केट. द आर्म्स इंडस्ट्री ऑल्सो द ग्लोबल मार्केट. आजकल जो ग्लोबल मार्केट जो चली हुई है, आर्म इंडस्ट्री, हथियार बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की ज्यादा मांग है. और ये ध्यान में रखा जाता है इसमें कि एक्सेस टू मार्केट, मार्केट अगर सही है, नजदीक है, ये छोटे लेवल की गाड़ियां हैं, स्कूटर है, बाइसाइकिल है, ये मार्केट भी जुड़ी है. और इसके लिए जैसे मान लीजिए चाइना है या फिर इंडिया है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, उस एरिया के अंदर और भी बेस्ट या हम सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीजों का. सेकेंड है एक्सेस टू रॉ मेटेरियल्स. रॉ मेटेरियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडस्ट्री. Raw material used by industry should be cheap and easy to transport. Industry based on cheap. Bulk and weight loads materials are located close to source of raw materials such as steel, sugar and cement industries. Industry to be located close to source of the raw materials, agro processing and the dairy products are the process close to the source of farm production for milk supply respectively. For example, iron steel industry. Iron steel industry का जो raw material है वो बहुत ज्यादा heavy होता है. अगर हम इंडिया से दूसरे एरिया के अंदर उसको लेके जाएंगे तो transportation जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा. इसी प्रकार से अगर sugar industry है, अगर sugar cane को हम एक लंबे एरिया के अंदर लेके जाए, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो उसके अंदर जो लिक्विड है सुगर कैन के अंदर, वो भी इसके अंदर क्या देगा, सूख जाएगा. इसलिए क्या करते हैं कि जो भी इंडस्ट्री लगे उसका रॉ मेटेरियल उसके पास में ही होना चाहिए, ताकि वो इजिली हैवी है तो भी इंडस्ट्री साथ में लगेगी, या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट है जो खराब होने वाले तो भी साथ में मार्केट होना कंपल्सरी है. नेक्स्ट टॉपिक एक्सेस टू लेबर सप्लाई. लेबर सप्लाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो आपका पॉइंट रहेगा. लेबर सप्लाई इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्किल रिक्वायर स्किल्ड लेबर. डिपेंड ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर्स. आयरन इंडस्ट्री, सुगर कैन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन लेबर. लेबर के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर लेबर है और कुछ स्किल्ड लेबर भी उसमें इंपॉर्टेंट रखती है, और लेबर जो जनरल लेबर है वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं. लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेटअप ऑफ इंडस्ट्री. नेक्स्ट एक्सेस टू
सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, कौन है ये पावर ऑफ एनर्जी है. इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द एनर्जी स्लाइसेस एज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज. एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है जहां उसको पावर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए अर्लियर कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है. टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड द पेट्रोलियम आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर मेनी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के लिए आपका सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होनी चाहिए. जैसे मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, एनर्जी का पेट्रोल, डीजल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट रखती है. एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, स्पीड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्री एंड मूव फिनिश्ड गुड टू मार्केट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री यूनिट्स. वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव ए हाई डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर चीप रहेगा, वन प्लेस टू अदर प्लेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन अगर चीप रहेगा तो फिर वो जो ठीक है उसकी वैल्यू कम रहेगी. किसी भी वस्तु की वैल्यू अगर ट्रांसपोर्टेशन कम रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर ट्रांसपोर्ट ज्यादा रहेगा तो उसके साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट मीट फॉर द इंडस्ट्री फॉर द एक्सचेंज एंड द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे पहले टाइम में 4 साल पहले क्या करते थे, कोई भी लेटर लिख के हम चीजों को वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते थे, हमें टाइम लग जाता था. इसी तरह से अब कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बहुत इजी होगा, किसी चीज को हम लाना ले जाना बताना, किसी चीज के बारे में कंफर्मेशन करना कंफर्म करना, वो इजीली कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा हम इजी कर सकते हैं. नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाई, बिकॉज गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू द प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री इन पार्टिकुलर एरिया. इसी एरिया के अंदर अगर इंडस्ट्री को हम सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जरूरी है, गवर्नमेंट की हेल्प जरूरी है. वहां गवर्नमेंट वहां क्या करती है, उसको इंडस्ट्रीज को सिक्योर करती है कि हाँ हम आपको सिक्योर के लिए तैयार. तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर आए. नेक्स्ट है एक्सेस टू एग्लोमेशन इकोनॉमिक्स. एग्लोमेशन, एग्लोमेशन होता है ग्रुप समूह, उसमें कैसे किसी एक स्थान के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है अगर वो आसपास ही सारे सारी करके मिल जाते हैं तो उसको इंडस्ट्रीज को उसका प्रॉफिट रहेगा, उसको कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम द नियर टू ए लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री दीज बेनिफिट आर टर्म एज एग्लोमेशन इकोनॉमिक्स. एग्जाम्पल मान लीजिए रॉ मेटेरियल इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केट है, टूल्स है, वाटर है, ये आसपास ही कहीं किसी एक एरिया के अंदर मिल जाते हैं तो उसको क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा. एग्लोमेशन इकोनॉमिक प्रॉफिट किसी इंडस्ट्रीज के अंदर रहेगा. फूड लूज इंडस्ट्री, वॉट डू मीन बाय द फूड लूज इंडस्ट्री, हाई टेक्निक इंडस्ट्री आर कॉल्ड फूड लूज इंडस्ट्रीज. और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं डायमंड, मोबाइल, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये चीजें हैं जिसको हम फूड लूज इंडस्ट्री बोलते हैं. फूड लूज इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ प्लेस, दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मेटेरियल्स, वेट यूजिंग और अदरवाइज. तो ये पॉइंट जहां मैंने सारे सारे पॉइंट बोले हैं, ये पॉइंट अगर सारे जहां इकट्ठे पॉइंट एक जगह मिलते हैं तो वही इंडस्ट्री सेटअप होती है और वही बेनिफिट.